हवा के चलती है, ये इसमें से हमने दो तो कर ही दिए। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, L1T-1 है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन हमने देख लिया। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है जल्दी बताओ, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज L1 into T-2। अच्छा अब फोर्स के ऊपर आते हैं, अब जरा ध्यान से सुनना, अब जरा ध्यान से देखो, आपको कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए है ना, अगर आपने डायमेंशन निकालना है या डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आपको कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, बच्चों ने लिख दिया मेरे, वाह लव यू, जीते रहो बच्चों, मेरे बिना पढ़ाई में लिख दिया। फोर्स होती है सर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो डेफिनेटली सर फोर्स का डायमेंशन होगा मास का डायमेंशन इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन, है ना, इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन। डायमेंशन बोले तो यूनिट, सिर्फ यूनिट है और कुछ नहीं है। तो मास क्या होता है, मास इज m1, वो तो पता ही है सबको, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमने अभी लिखा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1T-2। तो मेरे ख्याल से बच्चों जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकला वो हुआ m1 L1T-2। सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन क्या होगी, 1 1 एंड -2, 1 in mass 1 in length -2 in time। यस सर, यस सर, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था आज का सेशन एक आप मान के चलो कि फिजिक्स कैसे बनी, कैसे इवॉल्व हुई, उसके ऊपर सेशन बेस्ड है हमारा, ठीक है। यस सर, चक दे पटे जय माता दी। अच्छा इसी के साथ बच्चों आपके सामने अगर मैं एक चीज आपसे और पूछूं, राइट द डायमेंशंस ऑफ फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज, तो आपके सामने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज है, इनका हमें डायमेंशन लिखना है। तो बच्चों वर्क किसके बराबर होता है आपको पता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, मैं यहां यहां लिख देता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, पहला मैं यहां लिख देता हूं। वर्क का फॉर्मूला पता है, सुना होगा तुमने छोटी क्लासेस में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सुना हुआ है सबने, सुना हुआ है। अच्छा अब वर्क का डायमेंशन कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाला M1 L1 T-2, फोर्स का डायमेंशन अभी विनय सर ने निकाल के दिखाया है ना, अभी निकाल के दिखाया आपको यहाँ पे M1 L1, मास बेसिकली याद रख लो, मास इनटू एक्सेलरेशन M1, और एक्सेलरेशन होगी हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1 into T-2, और इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है मेरे टमाटरों वो है L1। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1 L2 T-2, ठीक है। सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। अच्छा एनर्जी, एनर्जी का बताओ जरा, एनर्जी क्या है, एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी क्या, अरे वर्क एनर्जी का, अरे सेम होगा, वर्क क्या है, वर्क इज एनर्जी ना यार, मतलब है ना एनर्जी। चलो अगर मैं कैनेटिक एनर्जी तुम्हारे सामने ले लूं जो कि होती है ½mv², सोच के बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने कैनेटिक एनर्जी ले लूं है ना, जो कि सबको पता है वो होती है ½mv, सेम ही होता है वैसे, है ना, बिल्कुल, क्योंकि वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, आगे जाके हम आपको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाएंगे, चैप्टर है अपने आप में। तो फिर भी चलो अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का लिखना है तो किसके बराबर होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, हाफ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तो कुछ होते नहीं यूनिट्स, है ना, तो मास के यूनिट्स क्या आएंगे m1, और वेलोसिटी क्या है L1T-1, वेलोसिटी क्या है L1 मीटर पर सेकंड, और अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं, उसका स्क्वायर कर दूं, तो मेरे टमाटरों आप लोग यहां पे देख सकते हो एनर्जी की जो डायमेंशन आएंगी वो किसके बराबर आएंगी M1 L2T-2, दैट इज एनर्जी, दैट इज एनर्जी। क्या बात है, क्या बात है मेरे सर, आपने एकदम फील दिला दी, है ना। अच्छा अब आपके सामने एक और चीज आ रही है, दैट इज टॉर्क, दैट इज टॉर्क, ठीक है। अब आपको इसके बारे में पता नहीं है, अब जैसे बेटा हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, एक चैप्टर है फिजिक्स की जान है टॉर्क, आपको वहां पे जाके समझ में आएगा कि टॉर्क का मतलब क्या है। मैं अभी आपको फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं कि टॉर्क का एक्चुअली में जो मीनिंग होता है ना, जस्ट वैसे फीलिंग के लिए चाहिए नहीं अभी आपको, इट इज द रोटेशनल पावर, किसी चीज को चलाना है तो जो चीज चाहिए वो चाहिए फोर्स, अगर किसी चीज को घुमाना है, मतलब समझ रहे हो, अगर आप इस एनिमेशन को देखो, अगर किसी चीज को घुमाना है, समझ रहे हो, अगर अगर किसी चीज को घुमाना है तो एक फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट, एक फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट जिससे कोई चीज घूम जाए, जिससे कोई चीज घूम जाए, उस रोटेशनल, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क, है ना, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना बच्चों, अभी क्या है, अपन आपको समझा नहीं रहे, ये तो बस ऐसे ही बता रहा हूं, तुम्हें फिजिक्स में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे फॉर्मूले पता लगते जाएंगे, तुम सबका डायमेंशन निकाल लोगे। तो आपको मैं बता रहा हूं इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो होता है R into F, जैसे वेक्टर्स में मैंने आपको बताया था वेक्टर फॉर्म में जो टॉर्क होती है, वेक्टर फॉर्म में जो टॉर्क होती है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट से निकलती है, वो होती है R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो अगर मैं सिर्फ यूनिट्स की बात करूं तो इट इज व्हाट,
अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आर इन टू एफ है ना, तो मुझे एक बेटा बेटा बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं अगर टॉर्क में आर इन टू एफ है तो इसकी डायमेंशन क्या आएंगी, जल्दी बताओ। तो फोर्स इन टू डिस्टेंस, ये क्या बन गया, फोर्स इन टू डिस्टेंस। दोनों बातें अलग हैं बातें अलग हैं, डायमेंशनली दोनों इक्वल है, तो क्या आएंगी m1 l2 t माइनस टू। तो बेटा याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेट मैंने आपको दिया है, ये आपको बुक में भी कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये सेट याद रखना, वर्क एनर्जी और टॉर्क ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी डायमेंशंस इक्वल होती हैं, जिनकी डायमेंशंस सेम होती हैं। यस सर, चक दे फटे जय माता दी, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप सब। बाकी डोंट वरी, जैसे जैसे हमें फॉर्मूले मिलते जाएंगे है ना, तो हम अपना करते जाएंगे। अब ऐसे बच्चों, हाँ, हमारा एक फॉर्मूला होता है पावर का, है ना। अब पावर का डायमेंशन निकालना है, तो आपने सुना होगा पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है सर, वर्क अपॉन टाइम। तो व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ पावर, वर्क की डायमेंशन क्या है, m1 अभी निकाला हमने, l2 t माइनस टू है ना, अभी निकाला ना। देखो जरा, वर्क की डायमेंशन क्या थी, वर्क की डायमेंशन थी m1 l2 t माइनस टू। तो आपने वो डायमेंशन बच्चों यहां रख देनी है, अपॉन टाइम, और टाइम की डायमेंशन बेटा आपने टिका देनी है यहां पे t। तो पावर जो निकल के आएगा मेरे टमाटरों m1 l2 t माइनस थ्री, कितना निकल के आएगा, m1 l2 टमाटरों t माइनस थ्री। यस सर, यस सर। सो दिस इज दी, है ना, दिस इज दी डायमेंशंस ऑफ पावर। ऐसे अगर हमें प्रेशर का लिखना है तो बताओ कैसे लिखा जाएगा। प्रेशर का सुना होगा तुम सबने, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकाल लेंगे, प्रेशर का डायमेंशन जल्दी बताओ मेरे टमाटरों, फटाफट बताओ प्रेशर का डायमेंशन। सर फोर्स का डायमेंशन, सर फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अपने दिमाग में चलाओ, है ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एल वन टी माइनस टू इंटू एम अपॉन एरिया। एरिया क्या है सर, एल स्क्वायर। एरिया क्या है सर, एल स्क्वायर। तो देखो जरा बेटा, प्रेशर का डायमेंशन क्या आ गया, क्या आ गया, एम वन एल माइनस, सॉरी माइनस टू नहीं, वन है और वो टू है। हाँ, ऊपर कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा मेरे टमाटरों, यहां पे आ जाएगा माइनस वन, है ना, और टी की वैल्यू माइनस टू, टी की वैल्यू माइनस टू। यस सर, चक दे फटे जय माता। आप इस बात को ध्यान से देखना कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू लिख सकते हो। अब बेटा यू वन क्या है, यू वन आपका एक यूनिट है किसी एक सिस्टम का, और उस यूनिट में आप डायमेंशन लिख दोगे। मास की वैल्यू कुछ और होगी, लेंथ की वैल्यू कुछ और होगी, टाइम की वैल्यू कुछ और होगी, है ना, यहाँ पे केजी हो सकता है। दूसरे यूनिट में आप क्या ले सकते हो, आप ग्राम ले सकते हो, लेकिन डायमेंशंस कैसे लिखोगे, एम वन की पार ए, एल वन की पार बी, और टाइम की पार सी। और ऐसे ही डायमेंशंस इधर भी क्या लिखोगे, एम टू की पार ए, एल टू की पार बी। मास लेंथ टाइम यहाँ पे बदल गए, लेकिन डायमेंशंस जो है वो आपकी सेम रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं क्यों कह रहा हूँ डायमेंशन सेम रहेंगी, जैसे बेटा वेलोसिटी के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकंड। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मीटर पर सेकंड। एक और यूनिट आप बोल सकते हो सर सेंटीमीटर पर सेकंड, चलेगा। एक और यूनिट आप बोल सकते हो सर किलोमीटर पर आर, है ना। तो मेरे ख्याल से यूनिट कोई भी हो, आप इस बात को ध्यान से समझना, मास में, सॉरी लेंथ में हमेशा वन है, लेंथ में डायमेंशन हमेशा वन है, समझ रहे हो मेरे टमाटरों, है ना, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर। तो लेंथ में वेलोसिटी का लेंथ में डायमेंशन हमेशा वन है, और टाइम में डायमेंशन जो है, टाइम कुछ भी हो, डायमेंशंस आपकी सेम रहती है, डायमेंशंस आपकी सेम रहती है। यस सर, ठीक है। तो आप इस यूनिट में लिख लो, इस यूनिट पे लिख लो, और मैंने आपको पहले ही बता दिया एन वन यू वन इक्वल टू एन टू यू टू। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, है ना। तो आपको मतलब दूसरे यूनिट में वैल्यू निकालनी है, सॉरी ये क्या हुआ भाई, ये क्या हो गया, हाँ हाँ, आपको दूसरे यूनिट में, हाँ मेरे टमाटर, दूसरे यूनिट में एन टू की वैल्यू निकालनी है। मेरे ख्याल से आप सारा उठा के नीचे ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा एम वन बाई एम टू की पार ए, एल वन बाई एल टू की पार बी, टी वन बाई टी टू की पार सी। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको ऐसे तैसे कराने दो, अपन अपना एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब सुनना मेरी बात को आराम से, क्या है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा बेटा। फोर्स का एक यूनिट होता है न्यूटन, जिसको हम एसए यूनिट बोलते हैं, और फोर्स का एक सीजीएस यूनिट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको वन न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। अगर मैं आपके सामने फोर्स का डाइमेंशन लिखूं, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम वन एल वन टी माइनस टू, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम वन एल वन इनटू टी माइनस टू, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज द एक्सेलरेशन, ये होगी डायमेंशन। अब बच्चों इस बात को समझिएगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे सामने लिखी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, फोर्स, तो वो है वन न्यूटन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो है वन न्यूटन।
अब जो न्यूटन है वो है मेरा एसआई यूनिट, है ना। तो एसआई यूनिट में मास क्या होता है हमारा, केजी। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो इट इज 1 × 1 kg raised to power 1। लेंथ किसमें होती है जल्दी बताओ, है ना, ये लेंथ किसमें होती है 1 meter, 1 meter की पावर 1। और जो टाइम होता है वो किसमें होता है 1 second, सेकंड की पावर माइनस टू। सो दिस इज 1 newton। और न्यूटन क्या होगा हमारा, सोच के बताओ व्हाट इज न्यूटन। अरे यार एफ इज एम ए, तो मास क्या है केजी, और ये क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम बोल देते हैं न्यूटन। यूनिट्स में इसको हम क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोल देते हैं सर न्यूटन। यस सर, करेक्ट बात है। अच्छा अब सोचो एक और यूनिट में हमें जाना है जिसपे इसकी वैल्यू है एक्स, जिसपे इसकी वैल्यू है एक्स, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, है ना। इनटू उस यूनिट में, वो सीजीएस यूनिट है। अब व्हाट इज सीजीएस, सीजीएस इज सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो वो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लेंथ का यूनिट जो होगा वो होगा सेंटीमीटर। तो मतलब वहां पे आप क्या लिखोगे, मास का क्या होगा 1 gram। तो 1 gram की पावर 1, डायमेंशंस वही रहती हैं, डायमेंशंस वही रहती हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया, है ना। सो दिस इज 1 gram की पावर 1 × 1 meter, है ना। तो ये यहां पे आ जाएगा आपका 1 centimeter की पावर 1, है ना, 1 centimeter की पावर 1। और साथ में आपके पास आ जाएगा टाइम, वहां पे सेकंड ही है, 1 second की पावर -2, 1 second की पावर -2 बच्चों। यस सर, और तमाथलों आला है समझ में, आला है समझ में, नहीं आला, और दुल्लू मुल्लुओं पर चमक रहा है यहां पे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब यहां से आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, एक्स की वैल्यू यहां से निकाल लेनी है। एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ रही है जल्दी बताओ, इट इज 1 × 1 kg / 1 gram, 1 kg / 1 gram की पावर 1 × बच्चों 1 meter / 1 centimeter की पावर 1, और बेटा × 1 second / 1 second की पावर -2, 1 second × 1 second की पावर -2। और मेरे टमाटर यहां से देख सकते हैं, ये इससे 1 second, तो 1 second वैसे ही कट गया। और बेटा आप अगर आप थोड़े से भी समझदार हो, ये आपके सामने लिखा है 1 kg, है ना, तो आप इसको लिख सकते हो। मैं अगली स्लाइड है क्या मेरे पास, हाँ मैं अगली स्लाइड भी से ले जाता हूं। तो आप देखो जरा x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1 kg। तो 1 kg को आप लिख लो बेटा 1000 gram / 1 gram की पावर 1, और पीछे आपको यहां पे दिया हुआ है 1 meter / 1 centimeter, तो 1 meter को आप लिख सकते हो 100 centimeter / 1 centimeter की पावर 1, और वो आपका कट गया। अब देखो ये भी कट गया, आपका ये भी कट गया, और फाइनली x की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बताओ, 1000 × 100 मतलब 10 की पावर 5। तो मतलब CGS यूनिट में याद रखना 1 newton force जो होती है वो होती है 10 की पावर 5 dyne, 1 newton force जो होती है वो होती है 10^5 dyne बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों, चक दे फटे जय माता दी लिख दो, सीधी बात है, ठीक है। देखो वैसे तो बच्चों ऐसा है, ये ऐसे ही इतना हम लेंथ ही करते हैं, तुम्हें मतलब वैसे ही तुम कॉमन सेंस से करो वैसे ही हो जाएगा यार। सोच के बताओ 1 newton क्या है, मतलब हम एक और मेथड अगर देख लें यहाँ पे एक सेकंड में, व्हाट इज 1 newton, 1 newton इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ना मास इनटू एक्सेलरेशन, केजी इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी किसके बराबर होगा, 1000 grams, केजी किसके बराबर होगा सोच के बताओ, 1000 grams, एंड मीटर को लिखे तो 100 centimeter, 100 centimeter, और सेकंड को वही रहने दो। तो तुम्हारे सामने क्या लिखा है, ये 10^5 gram / centimeter / second - 2 ग्राम सेंटीमीटर, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये ग्राम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं, एसआई में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, डाइन, क्या बोलते हैं, डाइन। तो वैसे भी बहुत जल्दी हो जाएगा अगर तुम बस एक ऑफिशियली हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते। अच्छा बच्चों आपने ये फॉर्मूला चेक करना है, एक फोर्स का फॉर्मूला है mv² / r, आपने चेक करना है क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो बच्चों बहुत सीधी सी बात है, फोर्स का डायमेंशन आपको पता है कितना होता है, है ना। अगर मैं ये RHS है, ये LHS है, तो अगर मैं LHS में डायमेंशन ले लूं, तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन सबको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m1 l1 t - 2, है ना, m1 l1 × t - 2। और अगर मैं RHS में ले लूं, है ना, राइट हैंड साइड में अगर मैं डायमेंशन निकालूं, तो बेटा राइट हैंड साइड में मास का डायमेंशन आ जाएगा m1, सुनते जाओ, मास का डायमेंशन आ जाएगा m1, और आपका वेलोसिटी जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, तो l1 t - 1 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, है ना, अपॉन r, r इज लेंथ दैट इज l1, r इज लेंथ दैट इज l1। तो मेरे टमाटरों, ये आ गया m1, ये आ जाएगा l square,
एल स्क्वायर नीचे एल वन है तो एक एल वन बच जाएगा और टी की पावर माइनस टू आ जाएगी, टी की पावर माइनस टू आ जाएगी। तो बच्चों आर एच एस और एल एच एस दोनों इक्वल है, मतलब फॉर्मूला डाइमेंशनली करेक्ट है, फॉर्मूला डाइमेंशनली करेक्ट है। ठीक है बच्चों? यस सर, यस सर। और आप में से बहुत बच्चे जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में बोहर मॉडल पढ़ चुके हैं, उनको ये बात पता होगी कि फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, बताओ किस में यूज होती है ये फोर्स, फिजिक्स के किस मोशन में यूज होती है ये फोर्स? है ना तरुण बेटा? बिल्कुल हेल्पफुल वीडियोस हैं, जरूर देख, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बताओ किस में यूज होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जैक्टली। तो सर्कुलर मोशन में मैं आपको ये ड्राइव भी करवाऊंगा आगे जाके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बोहर मॉडल ने भी आपने इसको यूज किया हुआ, तो हमने इस चीज को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव यहां किया है, आगे जाके इसको पढ़ेंगे भी। अच्छा अब बेटा आपके सामने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4 mv स्क्वायर। क्या है? 1/4 mv स्क्वायर। तो बच्चों बच्चों मुझे पहले चैट बॉक्स में लिख के बताओ क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो सही है, वो अंदर की आवाज है, सुनो उसको। क्या ये फॉर्मूला सही है? ओके, आंसर आपने दे दिया नो। क्या ये फॉर्मूला डाइमेंशनली सही है? क्या ये फॉर्मूला डाइमेंशनली सही है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। यस यस, अब समझ गए बात को। तो ये डाइमेंशंस की लिमिटेशंस हैं कि कांस्टेंट को जज नहीं किया जा सकता क्योंकि कांस्टेंट की तो डाइमेंशंस होती नहीं। तो बच्चों बिल्कुल आप सही हैं, मुझे लगता भी नहीं है मुझे प्रूव करने की जरूरत है। द फॉर्मूला इज वैसे इनकरेक्ट, मैं लिख देता हूं, द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट बट, ये बड़ी अच्छी लाइन है, बट डाइमेंशनली करेक्ट, बट डाइमेंशनली, है ना, डायमेंशनली फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सही आएगा क्योंकि अगर आप यहां से काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन निकालोगे एलएचएस की, तो एनर्जी की डायमेंशन हम अभी निकाल चुके हैं वो होती है m1 l2 t -2। सोच के देखो एनर्जी क्या होती है, वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स में होता है l1 t -2, डिस्प्लेसमेंट l2, एक l2 एक और आ जाएगा, है ना। अच्छा अगर मैं आरएचएस की डायमेंशन निकालूं तो आरएचएस की डायमेंशन क्या निकल के आएंगी, मास की डायमेंशन और वेलोसिटी क्या है, L1 T-1 का स्क्वायर। तो अगर आप देखो या जाएगा M1 L स्क्वायर T-2, तो मतलब ये डाइमेंशंस और ये डाइमेंशंस इक्वल हैं लेकिन फॉर्मूला इनकरेक्ट है। सो दिस इज द लिमिटेशंस मेरे टमाटरों, है ना, ये याद रखिएगा, ये लिमिटेशन होती है। इफ एन इक्वेशन इज, यहां से मैंने नोट्स में भी ये बात आपके डाल दी है, इफ एन इक्वेशन इज डाइमेंशनली करेक्ट इट इज माइट और माइट नॉट बी फिजिकली करेक्ट। हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई चीज अगर डाइमेंशनली करेक्ट है तो वो सही हो भी सकती है फिजिकली या फिजिकली गलत भी हो सकती है, है ना, आप पीछे देख सकते थे वो गलत था। लेकिन अगर आपकी डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्की बात है गलत है, फिर तो बेटा काम ही खत्म हो गया। बट इफ द इक्वेशन इज नॉट इवन डायमेंशनली करेक्ट देन इट कैन नॉट बी फिजिकली, फिर तो बेटा सवाल ही नहीं आता। और आप अपने बच्चों सीनियर से पूछना, आपके सीनियर्स का इतना बड़ा जुगाड़ होता है ना ये पेपर के अंदर कि वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हैं। जिन ऑप्शंस, मान लो आपसे पूछा गया फाइंड फोर्स, ऑप्शंस आपकी 3-4 दी हुई हैं, तो अगर दो ऑप्शंस ही ऐसी हैं जिसके अंदर आपका फोर्स का डायमेंशन ही क्रिएट नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली आप अपना आंसर बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके टिक कर सकते हैं, है ना। चैट बॉक्स में लिख दें जय माता दी। एक इक्वेशन है, मैं आपको इस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान यहां पे बच्चों जरूर देना चाहूंगा। ये इक्वेशन आप काफी डिटेल में आगे जाके केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में सीखोगे, ठीक है, बट आपने अभी लोड नहीं लेना, हम आपको बड़ी मुद्दे की बात यहां पे बताएंगे। इस इक्वेशन में पी प्रेशर है, इसको वांडरवॉल इक्वेशन बोलते हैं। ये इक्वेशन काफी फेमस इक्वेशन है, आपको इसके बारे में पता लग जाएगा, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मेरे को थैंक यू कहना बनता है तुम लोगों का, चलो कोई बात नहीं। तो प्लस ए बाय वी स्क्वेयर, पी प्लस ए बाय वी स्क्वेयर इंटू बच्चों वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक है। ये तुम्हारे सामने मेरे टमाटरों की इक्वेशन है, ठीक है, P यहां पे टेम्परेचर है, V यहां पे वॉल्यूम है, V इज द वॉल्यूम एंड P इज द प्रेशर, P इज द प्रेशर, ठीक है। तो बच्चों प्रेशर अगर आपको याद हो, डायमेंशन निकाल के रख लो, प्रेशर था हमारा फोर्स अपॉन एरिया, है ना, तो फोर्स की डायमेंशन क्या थी, m1 l1 t -2 और एरिया जो था वो था हमारा l2। तो हमने ये पहले भी डायमेंशन निकाली थी, प्रेशर की डायमेंशन क्या निकल के आई थी, m1 l -1 t -2, m1 l -1 t -2,
ठीक है। तो टमाटरों तुमसे पूछा गया है इस वॉन्डरवॉल इक्वेशन में, इस वॉन्डरवॉल इक्वेशन में ए और बी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यू दे दो, उनकी डायमेंशंस बता दीजिए। ठीक है, यस सर, ओके। तो मेरे टमाटरों इस बात का जवाब दीजिएगा, आपके सामने यहां पे ए अपॉन वॉल्यूम है, यहां पे आपके सामने ए अपॉन वॉल्यूम है ना। तो मुझे एक बात बताइएगा, मुझे एक बात बताइएगा, ठीक है। ये प्रेशर में आपने एक टर्म ऐड की है ना, प्रेशर में आपने एक टर्म ऐड की है, तो मुझे बताओ इस टर्म की डायमेंशंस भी क्या होंगी। प्रेशर में क्या ऐड होगा, प्रेशर, और वॉल्यूम में क्या ऐड होगा, वॉल्यूम। आई होप तुम्हें दिख ही गया होगा वॉल्यूम में, तो बी की डायमेंशन क्या होंगी, वॉल्यूम की डायमेंशंस के बराबर है ना, सीधी बात है, वॉल्यूम में वॉल्यूम माइनस हो रहा है, तो मतलब बी की डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर ही होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको दिख ही गया होगा बी की डायमेंशन तो वैसे ही दिख गई, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है एल क्यूब, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है एल क्यूब, तो बी की डायमेंशन तुम्हें दिख गई, यस सर। अच्छा सर, हाँ, और ये आपने मुझे जवाब दे दिया चैट बॉक्स में लिख के, प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा, तो मतलब जो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, अरे भाई एक मिनट, ये कीप कर लेते हैं बेटा, ये कुछ कांड हो गया है, एक सेकेंड, ये दोबारा बेटा फ्रॉम करंट स्लाइड पे जाते हैं, और ये बेटा स्वैप करना पड़ेगा, और एक सेकेंड बेटा बस यहाँ से मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ता है दोबारा, ये मेरे टमाटर सेट हो गया, ठीक है। हाँ जी, तो हाँ, तो बिल्कुल बच्चों आपने सही जवाब दे दिया, तो यहां पे मेरे टमाटरों को ये बात पता होनी चाहिए कि भैया प्रेशर की जो, कहां गया ये, है ना, प्रेशर की जो डायमेंशंस होती हैं, जो डायमेंशंस बच्चों मेरे प्रेशर की होती हैं, वो होती हैं ए अपॉन वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर, अपॉन वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अब बच्चों आगे आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप उधर ले जाइए मेरे टमाटरों, है ना, यू गाइस कैन ईजिली सॉल्व इट, है ना, एंड वॉट यू विल गेट द डायमेंशंस ऑफ ए इज डायमेंशंस ऑफ प्रेशर विच इज m1 L1 T-2, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इन टू वॉल्यूम स्क्वेयर, और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब, उसका स्क्वेयर कर दो तो एल की पार सिक्स आ जाएगा। तो आई होप, है ना, सॉरी यहाँ पे एल की पार माइनस वन है, है ना। तो मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा भी समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा m1 L की पार 5 T की पार माइनस 2। चैट बॉक्स में लिख दें, चक दे फटे जय माता दी। द टाइम पीरियड क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, if it is, find the time period ko nikalo, if it is known that that time period depends upon length, mass and acceleration due to gravity. Aap agar beta pendulum ko jante hain to ye pendulum hum officially beta hamare physics ke last chapter mein सर्दियों के महीने में आपको ये पढ़ाएंगे इस साल कि पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो उसका कुछ बेटा टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का मतलब जाना एक्सट्रीम से फिर वापस आना और फिर दोबारा उस, ये होता है एक साइकिल, मतलब जहां से चले वहां पर गए एक्सट्रीम पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे, फिर वापस वहीं पे आ गए, इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इसको होने में जो वक्त लगता है उसको हम वक्त को टाइम पीरियड कहते हैं, जिसकी वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं। तो वो आपको ये कह रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो आपको ये कहना चाह रहा है कि ये जो सर टाइम पीरियड है ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि ये डिपेंड करता है लेंथ पे, लेकिन क्या लेंथ की पावर है ये हमें नहीं पता, है ना, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेकिन लेंथ के स्क्वायर पे, लेंथ के क्यूब पे अपने को नहीं पता। ये डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉब पे, ये जो बॉब का मास है ये कहता है उस पे डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली एम की पावर बी कर देते हैं, मास की पावर बी पे डिपेंड करता है, और इसी के साथ बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो जी है उसकी पावर सी पे डिपेंड करता है, उसकी पावर सी पे डिपेंड करता है ना। तो हमने मान लिया कि जो टाइम है वो एल की पावर ए, एम की पावर बी, जी की पावर सी, मतलब अगर मैं टाइम, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा दूं तो एक कांस्टेंट आएगा, और मेरे को लगता है ये बात सबको पता है, हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशंस ये रहेंगी कि हम कांस्टेंट को डायमेंशन से जज कभी भी नहीं कर सकते, हमने पहले भी इस चीज को देख लिया। तो बेटा अब आपने डायमेंशन से इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है, तो मैं काम करता हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। तो टाइम पीरियड जो है मैं यहां लिख देता हूं के इंटू एल की पार ए, एम की पार बी, और ग्रेविटी जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी की पावर सी। अब सुनते जाना बच्चों, अब अगर मैं डायमेंशंस को इक्वल करूं तो टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होगी टी वन, के की तो डायमेंशन होती नहीं, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी एल वन की पावर ए, मास की डायमेंशन क्या होगी एम वन की पावर बी, और बेटा जी क्या है, वॉट इज जी,
जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो जी की डिमेंशन क्या, जी इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की डिमेंशन क्या होती है मेरे टमाटरों, L1T-2 raised to power c। यस सर, नो सर, यहां तक समझ में आ रहा है मेरे टमाटरों, जल्दी बताओ आ रहा है मेरे गुल्लू मुल्लुओं? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है ना, सबको दिख रहा है? अरे सर आराम से दिख रहा है। तो मेरे प्यारे टमाटरों, आप अगर यहां पे अब थोड़ा सा देखो, क्लब करो, ये m की पावर b बन गया, l की पावर a आ गया और इधर से c आ गया, तो a प्लस c आ गया और टाइम की पावर माइनस टू सी आ गया और इधर मेरे भाई टाइम की पावर वन आ गया। तो बच्चों अब मेरी इस बात को आप समझ के बताएं, आप सब बड़े समझदार मेरे टमाटर हैं, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं। हाँ जी, तो यहां पे बताओ m, ये t की पावर वन को क्या लिख सकते हो, ये t की पावर वन को थोड़ा और अगर हम ग्लैमरस दे दें तो t की पावर वन को हम क्या लिख सकते हैं, मास की पावर जीरो, l की पावर जीरो, है ना, है ना, t की पावर वन। तो आप यहां से कंपेयर करो तो b किसके बराबर आ रहा है, b किसके बराबर आ रहा है, जीरो। मास की पावर क्या आनी चाहिए, जीरो, तो b हो गया खत्म। लेंथ की पावर क्या है, a प्लस सी, तो a प्लस सी बराबर आ रहा है जीरो, a प्लस सी बराबर आ रहा है जीरो। सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी, बेसिकली a b c तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, तीनों सॉल्व होगी। और माइनस टू सी किसके बराबर है, माइनस टू सी है वन के बराबर, तो c की वैल्यू -1/2। जय माता दी बच्चों, समझ में आ रहा है। और अगर c माइनस वन बाय टू आ गया, आप अगर सॉल्व करो a माइनस c है तो a की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो मतलब अगर मैं टाइम पीरियड का बेटा फॉर्मूला निकालूं, तो टाइम पीरियड अब आप सोच के बताओ, है ना, k को छोड़ दो, k तो हमें पता ही नहीं क्या होता है ना, तो k को k लिख देते हैं, है ना। मास जो है, मास की पावर होगी जीरो, b हमारा जीरो हो गया, b गायब हो गया। लेंथ की पावर क्या है, लेंथ की पावर a है, तो l की पावर हाफ आ गया और g की पावर माइनस हाफ आ गया, c जो है वो मेरा माइनस हाफ है, ठीक है। और मेरे टमाटरों, ये टाइम पीरियड निकल के आया है k अंडर रूट l बाई g, ये निकल के आया है k अंडर रूट l बाई g। और बच्चों अगर मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊं टाइम पीरियड का, जो हम खुद आगे जाके डिराइव करेंगे, तो 2π√L/g, है ना, ये मास पे डिपेंड नहीं करता। यस।